तरफ से लगातार हो रहे घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए और अपने हथियार घर को और मजबूत करने के लिए भारत ने अमेरिका से आधुनिकतम स्वरूप के मानव रहित विमानों की मांग की है। इन लेटेस्ट ड्रोन में हथियार बंद और निगरानी करने वाले दोनों ही तरह के ड्रोन शामिल हैं। ड्रोन को लेकर अमेरिका और भारत के बीच बातचीत चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत अमेरिका से ऐसे करीब 100 ड्रोन खरीदना चाह रहा है जिनकी कुल कीमत करीब 2 अरब डॉलर होगी। भारत ने आधुनिकतम एवेंजर ड्रोनों की मांग की है जो मानव रहित लड़ाकू विमान होते हैं। इसकी खास मांग खास तौर पर चीन पर नजर रखते हुए की जा रही है। भारत ने प्रीडेटर एक्सपी क्लास के ड्रोन की भी मांग की है जो कि आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों और आतंकी खतरों के लिए जांचकर्ता की भूमिका निभाते हैं। इस विषय में दोनों देशों की बातचीत में हाल ही के दिनों में तेजी आई है। यूएस एंड इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ जनरल एटॉमिक्स के मुख्य कार्यकारी विवेक लाल ने न्यूज एजेंसी से कहा कि हाँ, जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स इंक भारत की ओर से प्रीडेटर सीरीज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट में ली जा रही दिलचस्पी से वाकिफ है। जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स इस विमान का निर्माण करती है। उन्होंने कहा, अमेरिकी निर्यात नियमों के कारण अमेरिकी सरकार को प्रीडेटर श्रेणी की आरपीए भारत सरकार को निर्यात करने के लिए मंजूरी देनी होगी। GAASI भारत और अमेरिका के हालिया द्विपक्षीय संबंधों के उच्चतम स्तर को देखते हुए बेहद उत्साहित है और हमें उम्मीद है कि हम उन चर्चाओं में एक महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं। गौरतलब है कि चीन की तरफ से हो रही घुसपैठ को देखते हुए ये खरीद बहुत महत्वपूर्ण है। इस ड्रोन के आ जाने से भारत की सैन्य शक्ति और बढ़ जाएगी।